कैसे हैं आप? फसी अच्छे जी लाट कुकिंग में आज हम बहुत ही मज़े की रेसिपी बना लेंगे हैं। सबसे पहले आप सबको रमदान करीम, रमज़ान की बहुत बहुत मुबारक। और आज मैं आपको रमज़ान के हवाले से ही बहुत मज़े की रेसिपी बताने लगी हूँ, जो कि है चिकन थ्रेड्स या बेकन फ्रीज। ये रेसिपी है, आप इसको बनाएं और इसको फ्रीज़ कर सकते हैं। ये है चिकन बोनलेस 1/2 kg, कॉर्नफ्लोर है 2 टेबल स्पून, ये हमने 2 टेबल स्पून एक्स्ट्रा और भी लेना है, वो मैं आपको बताऊंगी कि हमने क्या करना है। ये हम लेंगे एक एग, कोरिएंडर पाउडर 1 टीस्पून, चिकन पाउडर 1 टेबल स्पून, मस्टर्ड पाउडर 1 टीस्पून, गरम मसाला पाउडर 1/2 टीस्पून, हल्दी पाउडर 1/2 टीस्पून, साथ में हम लेंगे ये काली मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, 1 टेबल स्पून सॉल्ट, गार्लिक पाउडर 1 टीस्पून, ये 1/4 हम जर्दे का रंग लेंगे टीस्पून, और ये हम 1/4 लेंगे जिंजर पाउडर। तो ये सारे इंग्रेडिएंट्स हैं सबसे पहले। और साथ में हम जो हम लेंगे ये मांडा पट्टी, इसको हम कैसे यूज़ करेंगे मैं आपको अभी बताऊँगी। और सबसे पहले हम ये जो चिकन है इसको हम छोटे छोटे स्ट्रिप्स में कट कर लेंगे। ये मैंने इस तरह से इसको स्ट्रिप्स में कट कर लिया है, पहले बीच में से मैंने कट किया है इसको, फिर इस तरह से लंबी लंबी स्ट्रिप्स में कट कर लिया है। बहुत आपने मोटा नहीं कट करना, नहीं तो फिर ये पकेगा नहीं सही से। ये देखिए इस तरह से बारीक बारीक काट लेना है। बस इसको मैं जो हूँ एक जिससे मैंने बनाना है उसमें हम मैं रखूँगी, और इसको सबसे पहले हम मैरिनेट करेंगे। हम इसके अंदर जितने भी हमारे इंग्रेडिएंट्स हैं हम इसमें ऐड कर देंगे, और बहुत ही अच्छे से इसको मिलाएंगे, मिक्स करेंगे। आप स्पून से करें या फिर हैंड से करें वो आपकी मर्जी है। ये मैरिनेट में अच्छे से मिक्स कर लिया है सारे के सारे मसाले, और अब हम इसमें एक एग ऐड कर देंगे और इसको बहुत ही अच्छे से मिक्स करेंगे। इसको आप ओवरनाइट रख दें तो ये बहुत ही मज़े का बन जाएगा। बस ऐसे आपने मिक्स कर देना सारा, कि ये एग जो है वो इवनली सब जगह सबके साथ लग जाए। ये देखिए ये अच्छे से जो है वो एग सबके साथ लग गया है। अब मैं जो हूँ उसमें कॉर्नफ्लोर ऐड करूँगी 2 टेबल स्पून, और बहुत ही अच्छे से हम इसको मिक्स कर देंगे, और इसको हम ओवरनाइट रख दें या आप 1 आवर के लिए रख दें तो ये बहुत ही अच्छा मैरिनेट हो जाएगा। अगर आपने बहुत स्पाइसी करना है तो आप इसमें और भी रेड चिल्ली पाउडर ऐड कर सकते हैं। बस ये तकरीबन हो गया है, अब हम इसको रख देंगे हैं, और इसको जो है इस तरह से आपने फोल्ड करना है और इनको बारीक बारीक काटना है। कैंची से काट लें तो ज़्यादा बेहतर, अच्छे से कटेगा। ये देखिए हमने ऐसे फाइन काट लेना है और इसको खोल लेना है, सारी पट्टियों को ऐसे ऐसे खोल लेना है, और इसके अंदर हम ऊपर डालेंगे मैदा। ये इस पे मैंने मैदा लगा दिया है और इसको इस तरह से अलग अलग कर लिया। अब ये जो मैरिनेटेड चिकन है ये हम इस तरह से एक उठाएंगे और इस तरह से इसको देखिए इस तरह से हम इसको रोल करेंगे इसके अंदर अच्छे से। ये और ये
बहुत ही अच्छे से आपने इसको पूरा कवर कर देना है और ये थ्रेड की एक शेप बन जाएगी। और हाथ से आपने इसको प्रेस करना है ताकि ये सारी जगह पे, ये देखिए इस तरह से ही लग जाए। इस तरह से सारे आपने बना लेने हैं। ये हमने इसको सारे इस तरह से बना लिए हैं और अब मैं इसको जो हूँ फ्रीज़ करूँगी। एक एक करके इसको आपने ट्रे के अंदर रखना है और इसको फ्रीज़ करना है। ये देखिए कितने थ्रेड की तरह से ये लग रहे हैं बिल्कुल। तो अब हम जो हैं वो इसको फ्रीज़ करेंगे और फिर हम इसको निकाल के ऑयल में फ्राई करेंगे। फ्रीज़ करने से ये होगा कि अच्छे से ये जो है स्टिक हो चुका होगा तो आपको आसानी से हो जाएगा आपका ये फ्राई। ये देखिए मैंने ट्रे में रख लिए हैं और मैं अब इसको फ्रीज़ करूँगी। ये फ्रीज़ होके निकल आए हैं। ये मैं अब इसको इसके अंदर डालूँगी। कोई भी आप जो है बैग के अंदर डाल लें, बहुत ज़्यादा आपने ओवर फुल नहीं करना। इसको आपने जो है वो कम ही रखने हैं ताकि वो एक दूसरे के साथ स्टिक ना हो बाद में। तो बस इस तरह से आपने जो है इसको फ्रीज़ कर लेना है एक जिप बैग में डाल के। देखिए यार आपने इसको कहीं टूट ना जाए ध्यान रखना है। ये देखिए ये मैंने फ्रिज से निकाल लिए हैं। ये देखिए अच्छे से ये फ्रीज़ हो गए हैं और बस अब हमने क्या करना है, ये मैंने एक पैन में ऑयल हीट कर लिया है और इसके अंदर मैं जो हूँ अब ऐड करने लगी हूँ। आपने इसका बहुत तेज़ फ्लेम नहीं रखना, स्लो ही रखना है क्योंकि चिकन जो है वो कच्चा है। देखिए ये अच्छे से कोटिंग हो गई है। बस इसको हम पकाएंगे मीडियम फ्लेम के ऊपर। मीडियम फ्लेम पे मैं इसको पका रही हूँ। एक साइड से ये पक जाएगा तो मैं इसकी जो है साइड चेंज कर दूँ। कभी आपने इसके अंदर स्पून नहीं चलाना, नहीं तो ये कोटिंग उतरने स्टार्ट हो जाएगी। ये देखिए ये फ्राई हो रहे हैं अच्छे से। आपने इसको हिलाना नहीं है, इसको आपने पकने देना है। ये देखिए कलर आना स्टार्ट हो गया है और ये क्रिस्पी भी हो रहे हैं। ये देखिए अब हम इसकी जो है वो साइड को चेंज कर देंगे। लाइट आपने इसको कलर देना है। और स्लो फ्लेम पे पहले पकाना है फिर मीडियम फ्लेम कर लेना है। इस तरह से आपने इसको पकाना है और जब ये लाइट गोल्डन कलर आ जाएगा तो हम इसको डाल देंगे। अंदर से चिकन भी पक चुका होगा। ये देखिए ये इसका बहुत प्यारा सा कलर आ चुका है और अब हम इसको जो है वो निकाल लेंगे। बस आपने इसको फ्रीज़ कर लेना है और फिर आप जो जब चाहें अफ्तार में अपने इजीली बना सकते हैं। ये देखिए कितने मज़े के लग रहे हैं। ये देखिए और कितने ये क्रिस्पी हैं, बहुत ही टेस्टी लग रहे हैं। और आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है और मुझे बताना है कि आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी है। अल्लाह हाफिज़। देखिए मैं आपको कट भी करके दिखाती हूँ कि अंदर से कितने क्रिस्पी बने हैं।
ये देखिए आपको आवाज़ आ रही होगी, और इसको मैंने कट किया है। और ये देखिए, ये देखिए ये चिकन कितना मज़े का लग रहा है, अंदर से जूसी है।